उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने भैया के घर आई हूँ, तो मेरे भतीजे को भी गार्डन का बहुत शौक़ है। मैंने आपको पहले एक बार इसका गार्डन दिखाया है, तो आज मैं फिर से मैं आपको मेरे भाई का घर का गार्डन दिखाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लकी बाम्बू सूप प्लांट। तो प्लांट के साथ साथ आज आप लोग पॉट का भी सुंदरता को भी देखते रहना। जैन प्लांट मैं यहाँ से ही टुकड़ा लेके आई थी। मैं जो जो प्लांट यहाँ से लेके आई हूँ वो भी मैं साथ में आपको बताती जाऊँगी। तो मैं जैन प्लांट भी यहाँ से लाई थी, और ये पर्पल हार्ट वो भी मैं यहाँ से लाई थी। हर एक प्लांट के साथ साथ इसके पॉट भी इतने खूबसूरत उसने रखे हैं, तो प्लांट की भी सुंदरता निखर जाती है। ये तीनों का सेट है। उसके बाद ये देखो एरिका पाम, दो गमला सेम है। हर एक पॉट अलग अलग है, खूबसूरत सब भी गमले एकदम से खूबसूरत है, जितना उसका प्लांट खूबसूरत है। क्रिसमस ट्री एरिका पाम की एक अलग वेराइटी, वो भी गार्डनिंग का शौक है। साथ में वो किसी के बंगले में भी ऐसे गार्डन खड़ा कर देते हैं। ऐसे कुछ इसमें लोग रखे हैं कि वो तैयार गमला तैयार प्लांट पॉट लगा के जिसी का ऑर्डर है उसके घर पे मतलब बंगले पे वो कर देता है। हर एक पॉट देखो, मेरोनिमा प्लांट वो भी मैंने यहाँ से लेके गई थी, उसने मुझे दिया था। तीन प्लांट है, तीन सेम गमले है। आप है यहीं बहन नहीं है मेरे पास, आज मैं यहाँ से वो भी लेके जाऊंगी। और ये सारे पोर्सलन पोर्चुला लगाए हैं जो मैंने दिए थे उसको, इनका भी हर गमला देखो, सारे गमले सिरामिक के हैं उनके पास। और इसने गुड़हल की कटिंग लगाई है, तो देखो गुड़हल की कटिंग लग गई है, और दो गुड़हल की कटिंग लगाई है, दोनों लग गई है। एक पीपल का पेड़ है जो मैंने ही इसको पहले एक बार रिपोर्टिंग किया था यहाँ। अरे यहाँ मधुमालती की बेल है,
जो इनके ऊपर घर पे जाती है। तीन योनि में अंदर है, ये तुलसी जी का पेड़ है, राम और श्याम दोनों तुलसी है। और यहाँ देखो ये नियोनिमा प्लांट, पोनीटेल पाम, कितना बड़ा बड़ा। और गमला देखो, प्लांट के साथ साथ गमले की भी सुंदरता देखते जाओ। यहाँ ये सेवन का है और एक केड़ का केला लगाया है, और उसका दोनों भी, ये भी देखो गमला। यहाँ वह बड़ा वाला एरिका पाम है, इसके साथ मधुमालती की भी बेल जा रही है। ये गुड़हल है, बारहमासी है, एरिका पाम है। और सारे मैं इसमें अभी आपको दिखाऊंगी इसका एडेनियम, तो सारे एडेनियम की जो मैंने कटिंग की थी एक साल पहले यहाँ आई थी, तो सारी कटिंग लग गई है और फूल भी आने लगे हैं। देखो नींबू का, और नींबू भी आए हैं अभी, पहले मैं बीच में आई थी तभी भी इसमें बहुत सारे नींबू आए थे। गमला देखो कितना बड़ा बड़ा गमला, ये फाइकस, उसने अभी मैं बीच में आई थी तो उसने कटिंग कर दी थी, फिर से देखो कितना खूबसूरत हो गया है। और इसका गमला भी साथ साथ में देखते जाओ। ये चंपा वाला, लाल चंपा आता है उसमें, ये गैरी का पाम है, ये भी एक फाइकस है। और ये शायद समी का प्लांट लगता है, मुझे पता नहीं है लेकिन शायद समी होगा। और उसका ये देखो मनी प्लांट, पूरे दिन धूप में पड़ा रहता है। फिर से साइकस है उसका, फाइकस, साइकस नहीं फाइकस। और ये एलामंडा की बेल है उसकी, ये बड़ा सा एरिका पाम है। नीचे है गुलाब देसी वाला, पता नहीं वाइट प्लांट किसका है। यहाँ मैं आती हूँ, देखो इसका तो क्या हल किया है, इसने मेरे लिए तैयार किया था पर मैं ले नहीं जा रही हूँ, तो क्या खराब दशा कर दी है गर्मी में। और ये दोनों बोरा तीनों खाद के पड़े हैं। ये चैन प्लांट, मैं यहाँ आती हूँ, ये देखो पेंडेनस, पेंडेनस भी मेरे घर यहाँ से ही मैं लेके गई थी। और इनका गमला देखो, इसके ऊपर वो रखा था, पता नहीं क्यों इसने नीचे, ये जोड़ी में ही आती है 1500 की जोड़ी आती है, नीचे वाला इसका स्टैंड और उसके ऊपर ही रखने का। तो खूबसूरत गमले के साथ खूबसूरत प्लांट मेरे भतीजे का, यहाँ इचरा भी है मेरी गमले में, यहाँ उसके ये लगाया है। देखो ये भी पॉट, देखो ब्रह्म कमल लगाया है, वो कटिंग से लाया था 3 साल पहले कहीं से लाया है कटिंग, और अच्छी सी ग्रोथ भी हो गई है। ये गमला भी देखो इसका, चाय का कप, ये एक चंपा है, ये गुलाब है, इस अभी गुलाब बहुत अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये गुलाब का है। दो प्लांट, तीनों प्लांट, ये पता नहीं किसका प्लांट है, मधुकामिनी ऐसा ही कुछ होगा, वो जो वाइट फूल आता है वो वाला।
ये सारे नीचे उसने लगाया है, एक्जोरा ड्रोफेलाइटी। और सामने है बड़ा बड़ा चंपा, अरे देखो रेड चंपा की खूबसूरती। आज मैं इसे यहाँ से कटिंग लेके जाऊंगी रेड चंपा की। ये सब उसने जमीन पे लगाया है। ये है थुजा का, कोई अलग थुजा है जो लंबी लंबी ऊपर जाती है। इधर भी एक थुजा ऐसा ही है। दूसरा है बुद्धा में लगा है, मुझे पता नहीं क्या है, देख सकते हो। फोन जैसा ही है, ये भी एक फोन है, इसका आईफोन फोन है, पता नहीं कौन सा है, पर ये भी एक फोन जैसा ही है। उसका भी गमला देखो, स्पाइडर प्लांट है। और ये भी फोन है, दोनों गमले एक जैसे है। और ये लिली है, फेस लिली है, सूख गई लगती है। इसका भी गमला देखो, ये तो गई समझो गई। देख लिया आपने मेरे भैया का गार्डन, मतलब भतीजे का। तो आपको कैसा लगा एक अच्छी सी कमेंट करना, और एक लाइक तो बनता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।